भागलपुर सुल्तानगंज के अजगविनाथ धाम में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर अजगविनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी महाराज के नेतृत्व में भव्य विशाल शिव बारात निकाली गई। शिव बारात में नगर भ्रमण करते हुए दर्जनों झांकियों के साथ ढोल बाजा गाजा लिए हजारों शिव भक्त नाचते झूमते अजगविनाथ धाम मंदिर पहुंचे, जहां देर रात हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा भोलेनाथ एवं मैया पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाएगा। रात्रि में अजगविनाथ मंदिर में शिव भक्ति जागरण की प्रस्तुति होगी, साथ ही थाना परिसर में स्थित शिव मंदिर में विवाह कार्यक्रम के साथ भंडारा का आयोजन भी होगा। वहीं शिव बारात में शामिल शिव भक्तों के लिए सामाजिक राजनैतिक एवं व्यावसायिक संगठनों के द्वारा शरबत पानी आइसक्रीम प्रसाद व भंडारा की व्यवस्था की गई है। इस दौरान थानाध्यक्ष प्रिय रंजन, विधायक ललित नारायण मंडल, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू सहित सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन के लोगों ने शिव बारात में शामिल होकर शिव बारातियों का स्वागत करते हुए सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। मौके पर हजारों शिव भक्त, दर्जनों पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। है आप जानते हैं हिंदू धर्म का बहुत बहुत बड़ा ये दिन है। आज हम महाशिवरात्रि के दिन में पूरे हिंदुस्तान वासियों को, पूरे बिहार वासियों को हम लोग इसका बधाई देते हैं और भगवान शिव से और मैया पार्वती से प्रार्थना करते हैं माता हमारे सुल्तानगंज वासियों को और हमारे हिंदुस्तान वासियों को शांति अमन चैन सब चीज़ देना और यही कामना हम करते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एडीआर भवन डालसा प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को डालसा के प्रभारी अध्यक्ष सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार द्विवेदी ने सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र दिया। वहीं विधि सेवा के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता रत्ना गुप्ता एवं शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता यास्मीन बानो को भी कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट योगदानों के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इधर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों ने सभी महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश भर में हर क्षेत्र में महिलाएं काफी तेजी से आगे आकर अपनी योग्यता के बल पर नए कीर्तिमान कायम कर रही है, जो न सिर्फ नारी शक्ति बल्कि बेटियों के भविष्य का भी सुखद संदेश है। कार्यक्रम को भागलपुर डालसा सचिव उमेश प्रसाद, महिला न्यायिक दंडाधिकारी रिंकी देवी, अंकिता, नेहा एवं गरिमा के अलावा कई अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने संबोधित किया। मौके पर LADCS और भागलपुर डालसा के अमित कुमार, अनुपम कुमारी समेत सभी कर्मी और अधिवक्ता मौजूद रहे। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगविनाथ धाम में महाशिवरात्रि के दिन गंगा में स्नान करने के दौरान एक युवक डूब गया। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग, पुलिस प्रशासन, SDRF एवं नगर परिषद के द्वारा नाव की व्यवस्था करते हुए लापता युवक की खोजबीन शुरू की गई। वहीं मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि मसदी पंचायत के शिवानंदपुर निवासी किशोर यादव का 20 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार अपने चार दोस्तों के साथ महाशिवरात्रि के दिन गंगा स्नान करने गया था, जहां नहाने के क्रम में डुबकी लगाते ही छोटू कुमार गंगा में लापता हो गया, जिसके बाद से प्रशासन एवं तैराक दल के द्वारा लगातार लापता युवक की खोजबीन की जा रही है। इधर घटना के बाद रोते बिलखते परिजनों ने सरकार से सहायता राशि देने की मांग की है। इस दौरान गंगा घाटों पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। बोल रहा था कि मतलब नहाने के लिए आया था, तो नहा रहा था और उसके साथ दो तीन लड़का, मतलब एक साथ चार लड़का कूदा पानी में। उसके बाद मतलब कोई लड़का ऊपर रहा, कोई मतलब देख नहीं पाया, कोई वही डूब गया। क्या नाम है लड़का? नाम है छोटू कुमार। उम्र कितना है? उम्र 18-19 साल। 20 साल है। कहाँ का रहने वाला है? नंदनपुर। उसका पिता का नाम? किशोर यादव थे। जी जी। पांच को लड़का बच्चा आया साथी संगत लहाने के लिए, अब कैसे क्या हो गया तो हम नहीं दे सकते। कौन डूबा है? हमारा बेटा डूबा है। क्या नाम है? छोटू यादव। छोटू मोहित यादव। मोहित, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम किशोर यादव। कहाँ के रहने वाले? शिवनंदनपुर का।
भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में महाशिवरात्रि को लेकर बिहार व झारखंड के लाखों शिव भक्तों ने शुक्रवार को उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाई। बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन हर वर्ष बिहार एवं झारखंड समेत अन्य जगहों के शिव भक्त उत्तरवाहिनी गंगा घाट में डुबकी लगाकर अजगैवीनाथ धाम मंदिर में बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। इसको लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। साथ ही हजारों कांवरिया महाशिवरात्रि के दिन उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम भी रवाना हुए। वहीं अजगैवीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी महाराज ने बताया कि मंदिर परिसर में शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुल्तानगंज थानाध्यक्ष प्रिय रंजन के द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस वर्ष मंदिर परिसर में भीड़ अधिक होने के कारण सैफ जवानों की भी तैनाती की गई है। इधर नगर परिषद के सफाई निरीक्षक दिलीप दुबे ने बताया कि गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग व मंदिर सहित पूरे शहर में युद्ध स्तर पर साफ सफाई अभियान चलाया गया है, जिससे महादेव के भक्तों को कोई भी परेशानी ना हो। इस दौरान हर हर महादेव का नारा लगाते हजारों शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ व माता पार्वती की पूजा कर उन्हें जल अर्पित किया। शिवरात्रि के लेकर के आज शिवरात्रि के दिन में आयरनी को तो झारखंड से भी आए, बोकारो से भी भगत लोग आए हैं, लेकिन लोकल भीड़ ज्यादा है। 150 किलोमीटर की दूरी में चार तरफा से आदमी हमारे यहाँ आते हैं शिवरात्रि पर, और अच्छा भी मिलता है। 12 बजे तक आएगा। आज बाबा माँ का ब्याह है, आज तो सब है ही है, लोग अपने ब्याह में इतना खुश होते हैं। आज मेरे जगत के पिता का ब्याह है, हम तो कटिहार से आए दर्शन करने के लिए बाबा माँ का, जिसका अद्भुत दिन क्या होगा। आज बड़े अच्छे से उनका दर्शन हुआ, अच्छा लग रहा है। खुद मायके आके और बाबा के ब्याह में शामिल होते हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। महाशिवरात्रि को लेकर जहां देश भर के मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक और दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती रही, वहीं कई मंदिरों में कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो शहर का भ्रमण करते हुए गंगा तट पहुंची, जबकि कलश में गंगा जल भर कर श्रद्धालु पुनः मंदिर परिसर पहुंचे, जिसके बाद जलाभिषेक कर पूरे विधि विधान के साथ महादेव की पूजा अर्चना की गई। शुक्रवार को बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, आदमपुर स्थित शिव शक्ति मंदिर, बैजानी पंचायत स्थित गोणुधाम मंदिर समेत अन्य शिवालयों पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। इसके अलावा बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में कलाकारों द्वारा भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान भारी संख्या में पुरुष महिला समेत हर वर्ग और समाज के श्रद्धालुओं ने जमकर कार्यक्रम का आनंद लिया, और भगवान शिव के रंगों में रंगे भक्तों ने महादेव एवं माता जानकी का जयकारा लगाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।